बच्चों को छोटी आवाज को प्रेजेंट करो या प्रेजेंट उनको बनाओ उसके लिए। इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कहता है कि 2-3 साल का बच्चा जब रहता है तो उसको कोई ऐसी छोटी आवाज़ नहीं रहती जो हमको है। और छोटी आवाज़ मतलब मेरा कहने का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो अपने से खुद से थॉट्स ऑटोमेटिकली तैयार करता है, ऑटोमेटिक थॉट्स चलते रहते हैं। या वो आपसे बात करता है, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू ऐसा मत करो, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये संभव है, ये संभव नहीं है, वो ऐसा है, वैसा है, चालू रहता है। वो आपसे बातचीत करता है और वो जो बातचीत करता है वैसा आप करते हो। अभी आज रहने दो, तू ऐसा कर, कल सवेरे उठ, कल से अपन एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा बोलता है तो अपन लेट उठते हैं। अभी चलो अभी कुछ तो भी खाएंगे, अंदर से आवाज़ आती है, चलो खा लेंगे, वो खा डालते हैं, वो जैसा बोलता है वैसा करते हैं। बोलता है कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है, सब जो है वो पूरा कंट्रोल जो है अपना अवचेतन मन की जो आवाज़, जो विचार, जो बातचीत चालू रहती है वहाँ से होते रहता है। बच्चा जब 2-3 साल का होता है तो उसको पता नहीं हार्डली कितना उसका अवचेतन मन होगा और कितना वो अंदर की आवाज़ से ऑपरेट करता होगा, मगर धीरे 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 जैसा बच्चा बड़ा हो जाता है उसको एक्सपीरियंसेस जमा हो जाते हैं, और एक्सपीरियंसेस जमा होकर वो जाते हैं मेमोरी बैग में। मेमोरी बैग हिप्पो कैंपस में होता है, ब्रेन में, ये साइड में हिप्पो कैंपस में होता है। अब वहाँ वो सब स्टोर बनता है, स्टोर हाउस, पूरी मेमोरीज, और जो भी कुछ हो रहा है वहाँ स्टोर हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वहाँ स्टोर हो रहा है। अब होता क्या है कि आप खुद माँ बाप पास से ऑपरेट करते हो, जब आप खुद पास से ऑपरेट कर रहे, नहीं ये होगा नहीं, ये संभव नहीं, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये ऐसा है, पूरा कंट्रोल आपका वहां से आ रहा है पास से। कुछ भी होगा तो भी बोलते हैं नहीं यार ये संभव नहीं है, कुछ भी होगा तो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं होगा, कुछ भी होगा तो भी नो ये ऐसा आदमी है। कंटिन्यू चालू जो आवाज़ है वो माँ बाप की चालू रहती है, माँ बाप वहाँ से ऑपरेट करते हैं। माँ बाप ने प्रेजेंट होना चाहिए कि भाई मुझे कंट्रोल करने वाली जो मेरी छोटी आवाज़ है, लिटिल वॉइस इन योर हेड, जो आपको बोलती है ये कर वो कर वो कर, वो मेरी छोटी आवाज़ है, वो मैं नहीं हूँ। और बच्चों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि वो तुम्हारी छोटी आवाज़ है, वो तुम्हारा निगेटिव मन है जो धीरे 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 तैयार होते जा रहा है। जैसे ही बच्चा बड़ा हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, मेमोरी बैंक में मेमोरीज आ रही है, थाट्स जमा हो रहे हैं, और वहाँ से वो ऑपरेट करना चालू करता है। अब उसको यदि ट्रेनिंग आपने दिया पहले से ही शुरू से कि देख ये तेरे दिमाग में अंदर जो स्टोर किया है ना वहां से आ रहा है, जब उसको समझ आएंगे ना, और 3 साल के बच्चों को डेफिनेटली समझ आती है, ऐसा नहीं कि नहीं है करके। 3 साल का बच्चा भी बोलते नहीं मुझे ये नहीं होना, मुझे वो नहीं होना, क्यों नहीं होना, नहीं ये तीखा है, ये मीठा है, ये कहां से आया भाई, क्योंकि उसने सीखा, उसको सिखाया गया पास से, और वहां से वो बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। अभी 3 साल की मेरी पोती है, ग्रैंड डॉटर है, तो उसने अंगूर जो है अंगूर, तो अंगूर के छिलके जो है बोले निकाल के दो, अंगूर के छिलके निकाल के दो, इसलिए वो रोना चालू कर दिया। बोले ये आया कहाँ से, अंगूर के छिलके जो है तो ऊपर की जो स्किन रहती है वो निकालो बोले, और मैं बाद में खाऊंगी बोले अंदर अंगूर, और उसके लिए चिल्लाना चला। वो आया कहाँ से, क्योंकि पहले दूसरे जो अंगूर उसने पहले खाए थे 1 साल पहले, उसमें सीड्स थे, बिया जो फेंकनी दिखा के, उसका वो स्टोर हाउस जमा था, जब वो मतलब 2 साल की होंगी या 2.5 साल की जो भी होंगे, वहाँ से वो ऑपरेट कर रही है कि नहीं नहीं वो पहले देखना पड़ेगा कि भाई अंदर सीड्स है क्या, बी है क्या, और वो निकालो बाद में उसको दो, तो बोले वो छिलके निकालो, ऐसा बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि 3 साल की बच्ची भी रही तो उसको पास जो है वो बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पास्ट हमारा पूरा निगेटिव है, पूरा निगेटिव है, वहां संभावना कुछ भी नहीं है, और वो ठहराता है कि मैंने आगे क्या करना है, भविष्य में क्या होगा, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी बुरा कहां से आया, क्योंकि कुछ तो भी पीछे हुआ था, इसलिए अभी मैं बोल रहा हूं। मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है, बहुत गुस्से वाली है, कहां अभी गुस्सा कर रही है, नहीं अभी तो नहीं गुस्सा कर रही, फिर गुस्से वाली कैसी है, नहीं उसने पहले गुस्सा किया था कल, और वो बार बार करती रहती है इसलिए वो गुस्से वाली है। अभी गुस्सा कर रही है, नहीं अभी तो नहीं कर रही, फिर गुस्से वाली कैसे, क्योंकि वो पास में उसने किया था, मुझे याद आता है। ये अभी बच्चों को हम सिखाते हैं और उनको एकदम प्रेजेंट टू द प्रेजेंट कि भाई नहीं अभी यहाँ रहो, कुछ भी अतीत से ऑपरेट नहीं करना है, ये हम आपको उनको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं बच्चों को,
जितना जल्दी सिखाना संभव है उतना, तो उनको कोई पास नहीं रहेगा जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको खींचने वाला जो है, हमको रुकाने वाला जो है, बैरियर्स डालने वाला जो है, जेल में डालने वाला जो है, जेल में मतलब मानसिक जेल में अटका के रखने वाला ये है, वो है पास्ट। और वो यदि हम निगेटिव रूप में, निगेटिविटी के रूप में अंदर मेमोरी बैंक में जमा करके जमा करके जमा करके नहीं रखते हैं, और उसको प्रेजेंट होना है भाई, ऐसा सिखाते हैं कि ठीक है मुझे ये काम करना है, अंदर से आवाज़ आएंगे कि ये मत कर, चलो उसको प्रेजेंट हो जाओ, निकालना नहीं है, डिलीट करना नहीं है, निकालने की कोशिश करना नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट होना है कि मेरी जो संभावना है, जो मुझे करना है वो मुझे करने नहीं दे रही है, वो है मेरी छोटी आवाज़ जो भूतकाल से आ रही है, अतीत से आ रही है, तो उसको महत्व न देते हुए जो मुझे करना है वो करना है। भूतकाल में जो भी गलतियाँ हुई है वहाँ से सीखना जरूर है, जो भी गलतियाँ की हुई हैं वहाँ से सबक लेना है, वहाँ रट्टे कट्टे खाए होंगे तो वो भी सीखना है और आगे लेना है, मगर पीछे असफलता आई थी करके अभी मैं करूँगा ही नहीं, ऐसा न करते हुए आगे हरदम बढ़ते जाना है, ये बच्चों को हम सिखाएंगे तो डेफिनेटली ये छोटी आवाज़ को वो प्रेजेंट रहेंगे और ज़िंदगी उनकी बहुत पावरफुल बन सकती है। थैंक यू वेरी मच।